सवाल मेरा ये होगा कि क्या रीज़न है ये धरना प्रदर्शन का? सबसे बड़ा जो अभी त्वरित कारण है जी, कि जिन शिक्षकों का वेतन फिक्सेशन हो चुका था, मैं NIOS से उत्तीर्ण 31 मार्च 2019 तक उनका सारा प्रशिक्षण चर्चा पूरा हो चुका था, लेकिन उनका रिजल्ट जो है बाद में आया जी, और उन लोगों का वेतन फिक्सेशन कर दिया चुका था और 2-3 वर्षों से वेतन मिल भी रहा था, लेकिन अचानक से ये शिक्षक विरोधी सरकार बिहार सरकार ने के प्राथमिक शिक्षक डायरेक्टर रवि प्रकाश जी का एक आदेश आया, जिसमें उन्होंने 31 मार्च 2019 के बाद से जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं जी, उनको नव नियुक्त मानने का आदेश दिया गया, जो घोर अन्याय है, शिक्षकों के साथ शोषण है। एक तो पहले से ही कम वेतन में शिक्षक काज कर रहे थे और उनको अब शोषण किया जा रहा है, इससे प्रभाव होगा कि प्रत्येक मंथ 8-9 हज़ार रुपये का लॉस होगा। अच्छा, जो कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। शिक्षक बीच में कहां से आते हैं ये ही समझ में नहीं आया, क्योंकि यह NIOS का जो है MHRD भारत सरकार और बिहार सरकार के नेतृत्व में ये कोर्स कराया गया DLED का, तो शिक्षक इसमें कहाँ दोषी हैं, रिजल्ट अगर नहीं समय पे आया तो। लेकिन फिर भी NIOS द्वारा ये क्लियर किया गया है कि इन शिक्षकों का सारा कार्यक्रम, परीक्षा का जो आयोजन करना, प्रशिक्षण चर्चा का, ये सारा कार्यक्रम जो है एक है टीचर सब वही लोग सब, हाँ 31-3-2019 तक पूरा कर चुका है। अच्छा। इनका केवल प्रिंटिंग डेट है वो 22-5-2019। क्या मांगे हैं? हम लोग यहाँ सब कोई पहुँचे हुए हैं, बहुत सारे तादाद में है, देख सकते हैं आप संख्या, भारी संख्या में कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ टीचर संघ पहुँचे हुए हैं, तो क्या मांग है हमारे? मेन मांग है कि जिस दिन 31 मार्च 2019 से NIOS से प्रशिक्षित सभी शिक्षकों का वेतन फिक्सेशन किया जाए, समान किया जाए। अच्छा, और वेतन, हाँ वेतन कटौती की जो बात आ रही है, नवी मानने की बात रही, जो शिक्षक 8-10 वर्षों से आपके यहाँ सेवा दे रहे हैं, आपके शिक्षक हैं, उनको अब नव नियुक्त मानने आप बोल रहे हैं, जो घोर अन्याय है। इस क्या है नव नियुक्त का मतलब, इससे क्या घटा होगा कि आपको अब हम 8-10 वर्षों से जॉब में थे, आज आप एक लेटर पे आज से हम ज्वाइनिंग दिखाएगा सरकार, पिछला जो भी एक्सपीरियंस है वो लॉस कर देगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी घटा, और आपके हर चुनाव में या जो भी आपका कार्यक्रम कल्याणकारी योजना है, शिक्षक आपको उन्होंने करके दिया, चुनाव करा के दिया, अभी जनगणना में सारे लोग का, आज किस हैसियत से आप बोल रहे हैं कि आप आज से नवनियुक्त हैं? नवनियुक्त से और भी घटा है कि इन्होंने एक नियम बना रखा है कि जिस दिन से आप ट्रेंड होंगे उसके 2 साल बाद आपको ग्रेड पे मिलेगा, तो वहाँ पे दोहरी मार शिक्षकों को झेलनी पड़ेगी। इसलिए इस आक्रोश को जताने के लिए आज हम लोग सांकेतिक हड़ताल एक दिवसीय, नवनियुक्त घोषित करने के बाद 2 साल बाद क्या होगा? ग्रेड पे देगा। ग्रेड पे मतलब क्या? ग्रेड पे का मतलब जैसे एक बेसिक ग्रेड और स्नातक ग्रेड, 2 शिक्षक है इसमें और एक प्रधानाध्यापक ग्रेड, 3 शिक्षक बनाया गया ग्रेड में, जो 2000 का जो ग्रेड पे है बेसिक केवल देगा, नव नियुक्त मानेगा, 2 साल बेसिक ही देगा, ग्रेड पे का लाभ नहीं देगा, जिससे 4-5 हज़ार की क्षति होगी। कहने का मतलब जो शिक्षक 10-8 वर्षों से पढ़ा रहे थे उनको आप नया मान रहे हैं, नए के समान ला रहे हैं, ये घोर अन्याय है जी, बिल्कुल। और देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं ये समानता का जो अधिकार लेना चाह रहे हैं, ये सही में नवनियुक्त नहीं घोषित किया जाना चाहिए, 8 साल और अभी में कुछ तो अंतर होता है, यही मांग है कि समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए और वेतनमान भी है आप लोगों का। वेतनमान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, हम लोग टेट पास शिक्षकों को जब RT 2009 आई, उसका जो गाइडलाइन है, NCT का जो टीचर बनने का जो गाइडलाइन है, उसका सारा क्राइटेरिया को हम लोग फुलफिल करके आए, ठीक है, टेट पास किए, ट्रेंड हैं, और जहां तक सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया था, वहां के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पारा 78 में टेट शिक्षकों को अलग संवर्ग बनाने का भी उन्होंने न्याय निर्णय दिया, लेकिन यही सरकार
उस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सुझाव मानकर इस पे अमल नहीं कर रही है। हाँ, कि ये सुझाव है तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक पंचायती करने के लिए बैठा हुआ है भारत में? सुप्रीम कोर्ट का सुझाव भी मायने रखता है और उन्होंने डेट पास शिक्षकों को क्वालिफाइड मानते हैं, इनको अलग संवर्ग बना के और लोगों से अलग कुछ बेहतर वेतन देने की बात कही थी। वह भी हम लोग का प्रमुख मांग है, 1278 को लागू करें बिहार सरकार। और कहीं ना कहीं ये सब मांगे जो है इनका क्या टाइम रखें आप, कितने दिनों के अंदर मांगे पूरी होनी चाहिए? अगर यह मांग जो सबसे पहला जो अभी तत्कालिक कारण है कि NIS से प्रशिक्षित लोगों का जो लेटर निकाला गया है डायरेक्टर प्राइमरी के द्वारा, वो निरस्त किया जाए जी। और सभी लोग को पहले जो फिक्सेशन कर दी गए उसको बिरमन तिथि से यानी 31/3/2019 से उनको वेतन फिक्स किया जाए। दूसरा जो 1278 है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है उसको अविलंब लागू करके टेट शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देते हुए पूर्ण वेतन मान दिया जाए। अंत में आप अपना परिचय बता देंगे सर? एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि यह सरकार ऐसी मतलब निर्लज्ज सरकार है कि एक ये जो NIS का लेटर एक अति रहमान जी का केस से संबंधित है उस पर निकाला, उसमें कोर्ट ने ये आदेश नहीं दिया, उसको तोड़ मरोड़ को पेश किया और लेटर निकाले और वो भी स्पष्ट लेटर नहीं है। उसी तरह जब हाईकोर्ट का अदर जजमेंट को इन लोग LPA में लेके चले जाते हैं, उसको क्यों नहीं लागू करते? जैसे एक उदाहरण के लिए बताते हैं नीलू त्रिपाठी का केस, MJC 2024 चल रहा है, उसमें कोर्ट ने कहा है कि इन लोग को जो प्रशिक्षण की पूर्णता की तिथि से ग्रेड पे का लाभ दिया जाए, ज्वाइनिंग डेट से ही इन लोग को ट्रेंड माना जाए। हाँ, जब से ज्वाइनिंग इन लोगों का होगा जैसे टीचर सब के, आज तक इसको उन लोगों पालन नहीं किए हैं, रोके रखे हुए हैं। तो एक ही विलम्ब करना भी एक निर्लज्जता है ना, विलम्ब करना ही निर्लज्जता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सुझाव समझना भी एक निर्लज्जता का ही प्रमाण है। अभी हाल में एक और मुद्दा आया है कि नियमित कर्मी जितने हैं रेगुलर जो भी कर्मचारी हैं उनको महिला के लिए 2 दिन जो ऐच्छिक अवकाश था, विशेषावकाश जिसको 2 दिन मिलता था, उसमें भी रेगुलर और नियोजित में बांट दिया गया। हाँ, अच्छा। कितनी मतलब बेशर्मी की बात है, क्या नियोजित महिला टीचर को आप 2 दिन का विशेषावकाश नहीं देंगे? वो भी तो महिला हैं, ये मानवीय आधार पर भी जो नियम बनाए जो लेटर निकाल रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि नियमित महिला को आप कह रहे हैं नियोजित को नहीं, जबकि वो समान काम कर रहे हैं, आपके कर्मचारी हैं, काम भी कर रही है और कहीं ना कहीं इंसानियत का दावा करते हुए कभी कभी बोलते हैं कि से औरत और मर्द को समानता का अधिकार भी है, उस हिस्सेदारी से भी उनका हक और अधिकार है, समान हक मिलना चाहिए। इसका भी घोर इस लेटर का हम लोग विरोध करते हैं और इस अविलंब इस लेटर को वापस ले और समान अधिकार दिया जाए नियोजित को। अंत में आप अपना परिचय जरूर बताएंगे और देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर टीचर्स एकजुट होकर के यहाँ पर अपनी बात को रखने आए हैं, आप अपना परिचय बता देंगे सर? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ जी, मैं प्रदेश महासचिव टेट शिक्षक संघ लोकतांत्रिक बिहार। तो देख रहे थे राजेश सर से हमारी बात हो रही थी, बाकी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जमाजुट होकर के टीचर्स लोग यहाँ पे आए अपनी मांग रखने के लिए और इनकी मांग मेरी निजी निर्णय के अनुसार कहीं ना कहीं सही प्रमाणित होती है। बाकी आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताएंगे। जय दोस्तों, फिर मिलते हैं।